वृंदावन में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोग अब भी घरों के छत पर रह रहे लोगों को शासन प्रशासन द्वारा नहीं मिल रही है कोई भी मदद। वृंदावन पूरे उत्तर भारत में बाढ़ से हालात बेकाबू होते नजर आए थे। खासकर यमुना नदी अपने रोद रूप में देश की राजधानी दिल्ली के लिए काल साबित हुई थी, लेकिन यमुना नदी का असर धर्मनगरी मथुरा और वृंदावन में भी देखने लगा है। यमुना का जलस्तर जैसे तैसे कम हुआ, लेकिन एक बार फिर यमुना ने अपना रोद रूप दिखाया। जैसे जैसे अब यमुना का जलस्तर कम हुआ तो निचले इलाकों में रह रहे लोगों की परेशानी अभी कम रही हुई। वृंदावन के सभी निचले इलाके इस समय पानी में डूबे पड़े हैं। वृंदावन के पानी घाट, आदर्श नगर, यमुना कॉलोनी, कालीदह आदि इलाकों में अभी 6 फुट से 12 फुट तक पानी भरा पड़ा है। आपको बता दें कि यमुना का जलस्तर भले ही कम हुआ हो, लेकिन रास्ते पानी से भरे हुए थे। लोगों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निचले इलाके के बाशिंदे अब भी घर की छतों पर रहने को मजबूर हैं। बाढ़ की इस त्रासदी में प्रशासन का कोई भी अधिकारी लोगों के बीच नहीं पहुंचा। कई दिन बाद भी प्रशासन की तरफ से फिलहाल किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। किस कॉलोनी में रहती हैं? नहीं, आदर्श नगर। कितना बाढ़ का पानी आपके घर में भरा हुआ है? हमारे पानी में घर में इतना पानी है, कमर तक पानी है। अच्छा, कोई सरकार के द्वारा सुविधा खाना पीना या कुछ भी नहीं है? प्राइवेट नाव आ रहे, नाव वाले कह रहे 300 रुपए चाहिए एक सवारी। अगर किसी के घर में 4 परिवार 5 परिवार है तो कहाँ से देंगे 300 रुपए, बताना। नगर कैसे सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं? वोट लेने के तो सब चले जाएंगे, नुकाए सरकार क्या करेंगे, कहाँ देंगे? तो फिर सरकार सब जगह वोट क्यों ले रहे? नगर निगम की तरफ से कोई सुविधा? कोई सुविधा नहीं है हमारी तरफ। तो लोगों का भी छत पर है ना? हाँ, छत पर ही है। तो किस तरह की, मतलब क्या चाहती हैं आप? कुछ कोई सुविधा तो मिले, चलो खाना पीना घर से, चलो नाव लेके चलो, किसी घर में फंसे पड़े उन्हें तो मिलना चाहिए खाना पीना है। जो सूखे में उन्हें मिल रहे और जो गीलन में उन्हें कुछ नहीं मिल रहे, वो तो डबल डबल ले रहे। लाइट लाइट और लाइट की क्या व्यवस्था? हमारे यहाँ लाइट भी नहीं, आज 1 महीना 20 दिन हो गए लाइट नहीं है हमारे यहाँ। नगर निगम ने जो सुविधा करी है वो वहाँ से भी निकाल दी है, सब पब्लिक रोड पे है। वहाँ आप गए थे पहले बाढ़ पीड़ित में? नहीं, हम लोग नहीं गए, लेकिन हमारे पड़ोस में तो सब गए है कि नहीं? बाढ़ राहत केंद्र सब निकाल दिया? हाँ, वहाँ से भी निकाल दिए सबको। तो अब क्या क्या बोलना चाहेंगी? हमारी तरफ से सुविधा हो, कुछ खाने पीने को मिले, बहुत इनके बहुत नुकसान हुए जल निकासी की। नगर घर छोड़ के जाते, उसकी चोरी चकारी करके ले जा रहे लोग, घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी फंसे पड़े। जल निकासी की कोई व्यवस्था है? कुछ भी नहीं है। आगे कितना पानी है करीबन? आगे पानी कम से कम इतना पानी है। तो अभी लोग करीबन कितने परिवार फंसे हैं? अभी बहुत है, 30-40 घर तो हमारे उधर है ही है। किस तरह रह रहे हैं वो? छत पे? छत पे रह रहे, सब छत पे रह रहे। रोजगार तो खत्म एक तरह से? सब कुछ भी नहीं है, आज 20 दिन से कुछ नहीं है। ये तैर तैर के आते रोड पे, अगर कुछ मिल जाए तो ले जाते, बच्चों को खिलाते, नहीं तो नहीं, यहाँ से भूखे रहते। क्या नाम है अम्मा? क्या नाम है आपका? पुष्पादासी। पुष्पादासी, क्या परेशानी हो रही है जल भराव से? जल तो घरे भरा है, हमारा सब सामान कुछ नहीं, जो अब जल नहीं। कितना 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 पानी है घर में? हमारे घर में इतना पानी है। किस तरह की परेशानी हो रही है? चावल डावल कुछ नहीं घर में। खाना पीना कुछ नहीं। नगर निगम कोई व्यवस्था कराई नगर निगम के द्वारा? किच करते से ना। तो किस तरह आ रहे जा रहे हो? हम तो वही रास्ता जाए, रोटी मुटी भीख करी खाई। तो आपका घर डूबा हुआ है पूरा? पूरा डूबा है। तो क्या क्या कहना चाहेंगे? पातको है ना बड़ो, ये बगल में था। अच्छा, हेलो हेलो। तो अब क्या सरकार से क्या मांग करती हैं? अमी खाना दो, घर में सब डूब गया। तो खाना पानी कुछ नहीं आ रहा? लाइट वगैरह ना? लाइट वगैरह कुछ नहीं। तो किस तरह आ रही हो जा रही हो? एक बाबा माँ था, बोले यहाँ खाओ और भीख मांगो खाओ। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है ना? क्या नाम भैया आपका? दिलीप जी, यमुना का जल स्तर उतर चुका है और आप लोग किस तरह आ रहे जा रहे हैं ये बता जरा। सर, बड़े परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हमें, यहाँ तक कि देखो इतने कमर तक पानी आ जाता है, निकलने में बड़ी आने जाने परेशानी हो रही है। नगर निगम की तरफ से कोई सहायता या जल निकासी की? जी सर, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अपने अपने धीरे धीरे पानी कम। करीबन कितना पानी है यहाँ पे?
अभी सर इतना है करीबन 2-2.5 हाथ पानी से ज्यादा चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, और तो बच्चे स्कूल विस्कूल जाने के लिए किस तरह की परेशानी? सर बहुत बड़ी समस्या है, छोटे बच्चे बच्चियों को तो उठा के निकालना पड़ता है बाहर हमें। अच्छा, और एक ही रास्ता है आने जाने का? ये नहीं सर, अधिकतर रास्ते तो बहुत सारे हैं लेकिन इसमें तो फिर भी इतना निकलने का बन रहा है और सारे में तो इतना निकलने का भी नहीं बनता है। तो फिर क्या क्या चाहते हैं आप? सर यही है कि पानी निकासी की समस्या से प्रशासन से ये विनती है कि इस पानी को निकाला जाए कैसे तैसे करके, सर हमारी समस्या को समाधान करो। तो निकलने में बड़ी परेशानी हो रही है सर। क्या नाम है महाराज आपका? ओमदास महाराज। ओमदास जी, जल स्तर उतर चुका है, पानी भरा हुआ, करीबन कितना फुट पानी है और किस तरह की परेशानियाँ आ रही हैं आपको? कम से कम 4-5 फुट पानी। वो परेशानी ये है, यहाँ कोई भी प्रशासन ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। यहाँ जाने की व्यवस्था वहाँ पड़े लोग घरों में, वो वहाँ के वहाँ है, यहाँ पड़े निकल के वो यहाँ रोड पे पड़े, न कोई खाना न पीना, वैसी पब्लिक तो बांट रही है। पर प्रशासन ने क्या किया? वोट लेने के लिए तो आते हैं जनता के पास है, और जो भूखे मरते तो कोई प्रशासन नहीं देखता। हमारा ही पैसा और हमसे ही बेंचो वो करते हैं।